इससे पहले हमने आपको बताया टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स, उनकी कौन सी कार्स भारत में आती हैं, क्या उनकी लेटेस्ट प्राइस है या कोई ऑफर उन पर चल रहा है। उसके बाद टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स का वीडियो बनाया, जहां पर उस पर जुलाई और जून की सेल्स आपको बताई और लेटेस्ट प्राइसेस भी आपको बताया। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज के बारे में जुलाई 2024 की, जून 2024 से भी कंपेयर कर लेंगे, साथ ही अगस्त 2024 के लेटेस्ट एक्चुअल प्राइसेस भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं 25th पोजीशन पर आने वाली होंडा एलिवेट के साथ में। 1340 यूनिट बिके हैं जुलाई 2024 में। एलिवेट जो थी पिछले महीने 19 पोजीशन पर थी जून में 2151 यूनिट्स के साथ में। काफी कम सेल्स हुई है इस महीने और ये 25th पोजीशन पर खिसक करके आ गई है। एलिवेट जो है वो केवल पेट्रोल वर्जन में आती है, मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन में। प्राइस शुरू होती है 11,73,000 रुपए से और 16,67,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद फॉक्सवैगन टाइगुन 1,564 यूनिट बिके हैं, ये 24th पोजीशन पर आ गई है जुलाई के महीने में। फॉक्सवैगन टाइगुन पिछले महीने 22 पोजीशन पर थी 1,519 यूनिट के साथ में। 11,70,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, टॉप वेरिएंट के लिए 20,00,000 रुपए तक जाती है। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ही मिलता है इसमें, 1 लीटर का और 1.5 लीटर का। इसके बाद एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस 23rd पोजीशन पर 1,780 यूनिट बिके हैं जुलाई 2024 में। जून के महीने की बात करें तो एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस 21 पोजीशन पर थे 1,713 यूनिट्स के साथ में। एमजी हेक्टर की प्राइस 13,99,000 रुपए से शुरू होती है और 23,13,000 रुपए तक जाती है। ये 5-6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाती है। 22 पोजीशन पर टाटा की हैरियर 1,991 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2024 में। टाटा की जो हैरियर थी वो 24th पोजीशन पर थी 1,347 यूनिट के साथ जून में और अब इसकी सेल्स अच्छी हो गई है। साथ ही साथ जून जुलाई और अगस्त में काफी बड़े बड़े ऑफर्स आपको देखने को मिल रहे हैं टाटा हैरियर और सफारी पर। इसकी प्राइस 14,99,000 रुपए से शुरू होती है और 26,44,000 रुपए तक जाती है। रिसेंटली एक बड़ा प्राइस कट इसमें देखने को मिला है। इसके बाद निसान की मैग्नाइट 21 पोजीशन पर आई है, 2,011 यूनिट बिके हैं जुलाई 2024 में। मैग्नाइट 20 पोजीशन पर थी 2,107 यूनिट के साथ जून में। मैग्नाइट की प्राइस 6,00,000 रुपए से शुरू होती है और 11,11,000 रुपए तक जाती है। निसान की तरफ से एक्सट्रेल को भी लॉन्च कर दिया गया है 49,92,000 रुपए की एक्शन प्राइस पर। ये कुछ इसका ओवरऑल लुक है, इसकी सेल शुरू हो जाएगी बहुत जल्द, हालांकि एक बहुत ही लिमिटेड नंबर में अवेलेबल रहेगी। इसके बाद टाटा की सफारी 20 पोजीशन पर 2,109 यूनिट बिके हैं जुलाई 2024 में। एक प्रीमियम 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आने वाली एसयूवी है। साथ ही साथ पिछले महीने की बात करें तो टाटा सफारी जो थी 23rd पोजीशन पर थी 1,394 यूनिट के साथ। इस महीने सेल्स अच्छी हुई है, केवल डीजल वर्जन में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 15,49,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 27,34,000 रुपए तक जाती है। 19 पोजीशन पर टोयोटा की फॉर्च्यूनर 2,380 यूनिट बिके हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के। एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है, 33,43,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 51,44,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद एक बड़ा सरप्राइज मारुति सुजुकी जिम्नी 18 पोजीशन पर 2,429 यूनिट के साथ में। ऐसा लग रहा है कि मारुति सुजुकी जिम्नी ने कमबैक किया है। यहाँ देखा जाए तो काफी बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर इस पर अभी आपको दिए जा रहे हैं और देखा जाए तो अब ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी हो गई है। प्राइस शुरू होती है 12,74,000 रुपए से और 15,00,000 रुपए तक जाती है। ये केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन में ही आती है, मैनुअल और टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 17 पोजीशन पर टोयोटा अर्बन क्रूजर टेसर 2,640 यूनिट बिके हैं इसके जुलाई 2024 में। बात करें पिछले महीने की तो ये 17 पोजीशन पर थी 3,185 यूनिट के साथ में। टोयोटा अर्बन क्रूजर टेसर पेट्रोल इंजन ऑप्शन में ही मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 7,74,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 13,04,000 रुपए तक जाती है। 16 पोजीशन पर महिंद्रा थार 4,385 यूनिट बिके हैं महिंद्रा थार के। पिछले महीने देखा जाए तो 15 पोजीशन पर थी 5,376 यूनिट के साथ में। 11,35,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 17,60,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद किया सेल्टॉस 15 पोजीशन पर 5,437 यूनिट बिके हैं। एक मिड साइज एसयूवी है, कभी किसी जमाने में टॉप 10 में जगह बनाने वाली किया सेल्टॉस और 15 पोजीशन पर आ गई है। इसके बाद ह्यूंडई की एक्सटर 14 पोजीशन पर आई है, 6,037 यूनिट बिके हैं इसके जुलाई 2024 में। 12 पोजीशन पर थी ये जून में 6,908 यूनिट के साथ में। 6,13,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, इसके टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस जाती है 10,43,000 रुपए तक। इसके बाद महिंद्रा की बुलेरो 13 पोजीशन पर 6,930 यूनिट बिके हैं जुलाई 2024 में। जून में ये 11 पोजीशन पर थी 7,365 यूनिट के साथ में। बुलेरो की बात करें तो 9,79,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 10,91,000 रुपए तक जाती है। बुलेरो नियो आती है इसमें।
9,95,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 12,16,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर 7,419 यूनिट बिकी हैं और ये 12 पोजीशन पर आ गई है जुलाई में। पिछले महीने ये 16 पोजीशन पर थी 4,275 यूनिट के साथ में, इस महीने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 11,14,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, टॉप वेरिएंट के लिए 20,19,000 रुपए तक जाती है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन में सबसे अफोर्डेबल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन इसी गाड़ी में आपको मिलता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस 16,66,000 रुपए है। इसके बाद 11 पोजीशन पर महिंद्रा XUV 700 7,769 यूनिट बिके हैं जुलाई में। पिछले महीने XUV 700 14 पोजीशन पर थी 5,228 यूनिट के साथ में, इस महीने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 5, 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आने वाली एक प्रीमियम SUV है। 13,99,000 रुपए से प्राइस शुरू हो जाती है इसकी और टॉप वेरिएंट के लिए 26,04,000 रुपए तक जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद ह्यूंडे की वेन्यू 10 पोजीशन पर 8,840 यूनिट बिके हैं जुलाई में। ह्यूंडे वेन्यू पिछले महीने 6 पोजीशन पर थी 9,890 यूनिट के साथ में जून के महीने में। ह्यूंडे वेन्यू में रिसेंटली एक वेन्यू एस ऑप्शनल प्लस वेरिएंट को लॉन्च किया गया है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में 10,00,000 रुपए में, जहां पर सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट में आप सनरूफ देखने को मिल जाएगी। 7,94,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 13,48,000 रुपए तक जाती है। इसका एक एनलाइन वर्जन भी आता है 12,08,000 रुपए से उसकी प्राइस शुरू होती है, 13,90,000 रुपए तक जाती है। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में ही आपको मिलता है। N6 और N8 दो वेरिएंट आते हैं, मैनुअल और DC ट्रांसमिशन उसमें आपको मिल जाता है। इसके बाद मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 9 पोजीशन पर 9,397 यूनिट बिके हैं जुलाई में। ग्रैंड विटारा 9 पोजीशन पर ही थी जून में 9,679 यूनिट के साथ में। इसमें आपको पेट्रोल के साथ CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का भी ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। 10,87,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 19,97,000 रुपए तक इसकी प्राइस जाती है। इसके बाद किया सोनेट 8 पोजीशन पर 9,459 यूनिट बिके हैं जुलाई 2024 पे। सोनेट पिछले महीने 7 पोजीशन पर थी 9,816 यूनिट के साथ में, अभी ये 8 पर आ गई है। यहाँ पर ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन में मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 7,99,000 रुपए इसकी प्राइस शुरू होती है, 15,75,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद महिंद्रा XUV 3XO 7th पोजीशन पर 10,000 यूनिट बिके हैं। पिछले महीने XUV 3XO 10th पोजीशन पर थी 8,500 यूनिट के साथ में। 7,49,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 15,49,000 रुपए तक जाती है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। देखा जाए तो इसके बेस वेरिएंट्स पर यहां पर आपको कुछ वेटिंग पीरियड अभी देखने को मिल सकता है। इसके बाद मारुति सुजुकी फ्रॉन्क 6 पोजीशन पर 10,925 यूनिट बिके हैं जुलाई 2024 में। फ्रॉन्क 8 पोजीशन पर थी 9,688 यूनिट के साथ जून में, अभी ये 6 पोजीशन पर आ गई है। 7,51,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 13,04,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद महिंद्रा की स्कॉर्पियो 5th पोजीशन पर 12,237 यूनिट के साथ में। 4th पोजीशन पर थी जून में 12,307 यूनिट के साथ में, अभी ये 5th पर आ गई है। स्कॉर्पियो की प्राइस 13,62,000 रुपए से शुरू होती है, 17,42,000 रुपए तक जाती है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन, डीजल वर्जन और 7 सीटर में मिल जाती है आपको। वहीं स्कॉर्पियो एन आती है, ये प्रीमियम है थोड़ी सी, ये इसके मुकाबले काफी प्रीमियम है। पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में। 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको मिल जाती है, साथ ही साथ अफोर्डेबल वेरिएंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं रिसेंटली। इसके अलावा 13,85,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 24,54,000 रुपए तक जाती है। साथ ही साथ टाटा नेक्सॉन 4th पोजीशन पर 13,902 यूनिट के साथ जून में। टाटा नेक्सॉन जो थी वो पिछले महीने 5th पोजीशन पर थी 12,066 यूनिट के साथ में, और उससे पहले तो काफी नीचे चली गई थी, लेकिन अभी वापस से अपनी पोजीशन पर आ गई है टॉप 5 में। और इसके अलावा इसमें आपको पेट्रोल डीजल के इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। CNG भी बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। 8,00,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है इसकी, 15,80,000 रुपए तक इसकी प्राइस जाती है पेट्रोल डीजल वर्जन वाले वेरिएंट के लिए। साथ ही साथ इसमें आपको इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि 325 किलोमीटर से लेकर के 460 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज देता है, यानी कि इसमें एक मिड रेंज वेरिएंट और एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट आता है। 14,49,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 19,49,000 रुपए तक जाती है। सबसे सस्ता लॉन्ग रेंज वेरिएंट आपको 17,00,000 रुपए की एक्चुअल प्राइस पर मिलता है। 3rd पोजीशन पर मारुति सुजुकी ब्रेजा 14,676 यूनिट बिके हैं। जितनी भी 100 मीटर SUVs गाड़ी हैं उनमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आपको ब्रेजा में ही मिलता है। देखा जाए तो पिछले महीने भी ये 3rd पोजीशन पर थी 13,172 यूनिट के साथ में। 8,34,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 14,14,000 रुपए तक प्राइस जाती है। 2nd पोजीशन पर टाटा पंच 16,121 यूनिट बिके हैं जुलाई में। 1st पोजीशन पर थी ये जून में 18,238 यूनिट के साथ में। अगर इतने यूनिट इस महीने भी बिकते तो ये नंबर 1 पोजीशन पर ही होती।
टाटा पंच में आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। 6,13,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 10,20,000 रुपए तक जाती है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है 10,99,000 रुपए की शोरूम प्राइस पर, जहां पर आपको टॉप वेरिएंट 15,49,000 रुपए का मिलता है। इसमें भी मिड रेंज वेरिएंट जो कि 315 किलोमीटर की रेंज देता है और लॉन्ग रेंज वेरिएंट जो कि 421 किलोमीटर की रेंज देता है। सबसे अफोर्डेबल जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है वो आपको 13 लाख रुपए की शोरूम प्राइस पर मिलेगा। नंबर वन पोजीशन पर ह्यूंडई की क्रेटा, 17,350 यूनिट बिके हैं इस महीने जुलाई 2024 में। लास्ट मंथ यानी जून में 16,293 यूनिट बिके थे और ये सेकंड पोजीशन पर थी। ह्यूंडई क्रेटा के साथ आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। 11 लाख रुपए से प्राइस शुरू होती है, 20,15,000 रुपए तक जाती है। वहीं इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में क्रेटा एन लाइन जो कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है, प्रॉपर जो डिजाइनिंग है उसकी स्पोर्टी लुक में की गई है। रोड पर भी आप देखोगे तो थोड़ी सी यूनिक फिनिश के साथ दिखता है और काफी ज्यादा प्रीमियम भी लगता है। ये केवल 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में ही आपको मिलती है। मैनुअल और डीसीटी ट्रांसमिशन में 16,82,000 रुपए तक क्रेटा एन लाइन की प्राइस शुरू होती है, 20,45,000 रुपए तक जाती है। तो ये थी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज जुलाई 2024 की। इससे पहले टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार का वीडियो बना दिया है। ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।